गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बच्चों मैं आज आप लोगों को मैथ पढ़ाने जा रही हूँ, ध्यान से देखिए। ऐड सीखेंगे आज हम लोग, ऐड का चिन्ह है क्या बताया, थ्री में टू को ऐड करना। ध्यान से देखेंगे, जिनको नहीं समझ में आएगा, हम लोग पहले यहाँ थ्री लाइन खींचेंगे, ठीक है, और यहाँ टू लाइन, आप इसको काउंट करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, क्या हो जाएगा फाइव। तो यहाँ मैं एक आप लोगों को समझने के लिए लिखती हूँ, आगे आप लोग अपनी कॉपी में सुंदर राइटिंग में बनाएंगे। यहाँ लिखा हुआ है फोर, ये क्या है, ऐड का मार्क है, क्या है, ऐड का यानी जोड़ का चिन्ह। इसके बाद थ्री लिखा हुआ है, क्या है, थ्री इक्वल टू फोर और थ्री को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, सेवन, क्या हो जाएगा सेवन। जिनको नहीं समझ में आएगा वो इस तरह से लाइन खींच लेंगे, ठीक है, इस तरह से लाइन खींच लेंगे, उसके बाद लिख लेंगे। आगे है सिक्स प्लस फोर इक्वल टू, क्या ऐड करना है, थ्री ऐड करना है, नाइन में टू ऐड करना है, करेंगे तो कितना होगा, समझने के लिए लिख दी हूँ, जिनको नहीं समझ में आएगा वो लाइन खींच लेंगे और उसको काउंट कर लेंगे, क्या करेंगे, लाइन खींच लेंगे, जितना अंक है ऊपर में उसको नीचे में उतना ही लाइन ड्रॉ कर लेंगे और उसको काउंट करके लिख देंगे। अब हम यहाँ पर फोर प्लस थ्री यानी कि फोर में थ्री ऐड करना है, जोड़ना है, क्या करना है, फोर में थ्री ऐड करना है। यहाँ ध्यान देंगे, फोर में थ्री ऐड करने पर सेवन, क्या होगा सेवन। अब है सिक्स में फोर ऐड करना, सिक्स प्लस फोर, सिक्स फोर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा टेन, क्या होगा टेन। अब आगे देखेंगे फाइव प्लस थ्री, फाइव में थ्री ऐड करना, क्या करना है, जोड़ना है, तो फाइव और थ्री क्या हो जाएंगे एट, क्या हो जाएंगे एट, नाइन प्लस टू
9 में 2 ऐड करना है, तो 9 उसके बाद 2 जाएंगे 11, क्या हो जाएंगे 11। अब 5 में 5 ऐड करना है, 5 में क्या करना है 5 ऐड करना है, 5 और 5 को क्या कितने होंगे 10, 5 और 5 मतलब 10। 6 में 0 ऐड करना है, 0 मतलब कोई अंक नहीं, 6 में कोई अंक ऐड नहीं करना है, क्या हो जाएगा 6। आप देखेंगे 2 + 2 यानी कि 2 में 2 जोड़ना, क्या करना है 2 में 2 जोड़ना, इसको 2 में 2 ऐड करने पर क्या आएगा 4, क्या होगा 4। इसके बाद है ध्यान देंगे 3 0 ऐड करना है, क्या करना 3 में 0, इससे कोई अंक नहीं है 3 में 0 ऐड करेंगे। अब 5 में 1 ऐड करना है, क्या करना है 1, 5 में 1 ऐड करना है, 5 1 6, 7 + 2 7 2 ऐड करना, क्या हो जाएगा 9। अब है 9 में 0 ऐड करना है, यहाँ कोई अंक नहीं है, यहाँ ध्यान देंगे कोई अंक नहीं है, तो जब कोई अंक नहीं रहता है तो सेम नंबर के साथ लिख देना, क्या हो जाएगा 9। अब देखेंगे 5 और 6 काउंटिंग करेंगे, 5 उसके बाद 6 को काउंट करेंगे, उस दोनों को काउंट करके लिख देना। अब 8 + 0 8 में कोई भी संख्या नहीं है, अब इसको लिखना है ऐड करना है 0 से, कोई भी संख्या नहीं होगा तो 8 हो जाएगा। आगे 2 में 0 ऐड करना है तो 2 मिल जाएगा। बच्चों एक बार फिर ध्यान से देखेंगे, यहाँ है 3 + 2 यानी कि 3 में 2 ऐड करना है तो क्या हो जाएगा 5। इसी तरह जिनको नहीं समझ में आएगा वो लाइन में लिखिएगा, जैसे 4 है ठीक है, तो 1 2 3
1, 2, 3, 4, 5, 6. इसको काउंट कर लेना है, लिख देना 1, 2, 3, 4, 5. 5 के बाद से तो हम लोग शुरू करेंगे 6, 7, 8, 9, 10, 11 और यहाँ 11 हो जाएगा. क्या हो जाएगा? 11. इस तरह से लिख देंगे, ठीक है. अब है 8 + 0. 8 में यहाँ 0 है, 0 का मतलब कोई संख्या नहीं है, तो यहाँ 8 लिख देंगे. क्या करते हैं? 8 लिख देंगे. फिर है 2 + 0, 2 के साथ 0 ऐड करना. क्या हो जाएगा? 2 के साथ 0 ऐड नहीं होगा, इसको 2 लिख देंगे, ठीक है. इसको साफ साफ अपनी कॉपी में नोट करना है और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग सेंड कर दीजिएगा. जिनको समझ में नहीं आया होगा वो एक बार और पूछ सकते हैं, ठीक है. साफ और सुंदर राइटिंग से लिखकर लिखना है और मेरे नंबर व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना, ठीक है. बाय बच्चों.